सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम कैसल। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ जिनका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कॉमर्स। उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा जो मुझे लगता है हज़ारों स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है। जो भी ये वीडियो को देखेंगे उन्हें डेफिनेटली इससे हेल्प हो जाएगी। और वो क्वेश्चन है यूट्यूब वीडियोज़ फॉर कैट प्रिपरेशन, हाउ यू शुड यूज़ YouTube वीडियोस फॉर योर कैट प्रिपरेशन, या सिंपली आपके कैट प्रिपरेशन में YouTube से आपको कैसे हेल्प हो सकती है। ओके, तो वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, टेक्निकल पॉइंट्स भी आपको डेफिनेटली यूज़ में आएंगे। ओके, तो जैसे आप जानते हो कैट का जो पैटर्न है, ओके, सो इंग्लिश के सेक्शन में RC और वर्बल एबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डोमिनेटिंग एरिया है। सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डोमिनेटिंग एरिया है इंग्लिश के सेक्शन में, और वर्बल एबिलिटी में हमसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैराजंबल्स विदाउट ऑप्शन, समरी क्वेश्चंस, और पैराजंबल का ये फॉर्मेट ऑड सेंटेंस आउट, जिसमें जो 5 सेंटेंस आपको दिए या 4 सेंटेंस आपको दिए हैं तो एक सेंटेंस ऑड रहेगा, जो कोहेरेंट पैराग्राफ अगर फॉर्म होता है तो उसमें कहीं फिट नहीं होता है, मतलब वो एकदम लिंक से हटके होगा और वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो 3 क्वेश्चन टाइप है हमारे RC और वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में, जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है। DILR की बात की जाए तो DILR में जैसे डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है वो एक्चुअल एग्ज़ाम की बहुत अलग होती है। और आप देखोगे DILR का मैंने आपको थंब रूल बताया था प्रिपरेशन का, कि इसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। यस, आपको बेसिक पता रहना चाहिए हर टॉपिक के, जैसे वेन डायग्राम का बेसिक आपको पता रहना चाहिए, गेम्स एंड टूर्नामेंट का बेसिक आपको पता रहना चाहिए, और सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन के पजल्स हो गए, बेस हमें पता रहना चाहिए। बट एक्सक्लूसिवली ऐसा कोई सोर्स जो थोरोली आपको DILR के लिए प्रिपेयर करा दे ऐसा नहीं है, बिकॉज DILR सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। और मैंने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको थंब रूल बताया है, जो स्टूडेंट्स कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि डेली कोशिश करो 2 से 3 सेट DI के सॉल्व करो और 2 से 3 सेट LR के सॉल्व करो। इससे आप मंथली बेसिस पर ऑलमोस्ट 80-90 सेट्स प्रैक्टिस करोगे, क्वालिटी सेट्स, और यही से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, बिकॉज DILR में कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज़ से। ओके, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो हमारा एरिया है कॉन्ट्स में, तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कंपैरिजन थी, बिकॉज कैट के साथ जो अदर एग्ज़ाम्स है NMAT, SNAP, IIFT, ZET, तो यहाँ कॉन्ट्स में क्या डिफरेंस है। सिलेबस लगभग सेम है बट वेटेज कुछ आपको पता रहना चाहिए किस एग्ज़ाम में किस टॉपिक पर ज़्यादा है, या कुछ मिसलेनियस टॉपिक कहाँ से आते हैं, तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। अब पैटर्न मैंने आपको बता दिया, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, YouTube कितनी आपकी हेल्प कर सकता है कैट प्रिपरेशन में, YouTube पर जो अवेलेबल वीडियोस है। तो इसका आंसर है पूरी हेल्प आपकी YouTube के ज़रिए ही नहीं हो सकती अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज़ अब लॉजिक समझो बात कैसी है, जितने भी बेसिक एरियाज़ हैं इनके बेसिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे। YouTube में हमारे पास ऑप्शन होता है ऊपर, YouTube सर्च का जो बॉक्स होता है वहाँ आप किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करते हो तो टॉप रैंक्ड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप RC के वीडियोस देख सकते हो, वर्बल एबिलिटी के भी आपको वीडियोस दिख जाएंगे, लाइकवाइज क्वांट्स के भी वीडियो दिख जाएंगे, DILR के भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, बट थोरो प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ YouTube के बेसिस पर नहीं हो सकती, बिकॉज कैट में हमें थोड़ी एडवांस स्टडी करना है, और YouTube पर बेसिक तो आपको लगभग पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वांट्स की जहाँ तक बात है स्पेशली, तो क्वांट्स में देखो जैसा अरिथमेटिक का आपका एरिया है, तो अरिथमेटिक के बेसिक्स जो है ये आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं YouTube की हेल्प से, बिकॉज़ बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी अरिथमेटिक यही एक डोमिनेटिंग एरिया है। ओके, उसके अलावा जो बाकी एरियाज़ है हमारे क्वांट्स में, मॉडर्न मैथ्स है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, ओके, उसके बाद में अलजेब्रा है, तो ये जो 4 एरिया है तो ये आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के चैनल पर उतने देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज बैंकिंग एग्ज़ाम में उतने नहीं आते क्वेश्चंस। बट येस, SSC CGL के जो चैनल्स हैं वहाँ पर आप यूज़फुल वीडियोस फाइंड कर सकते हो। बिकॉज एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है तो बेसिक लेवल पर मिलता जुलता है कैट के सिलेबस से। तो येस, कॉन्ट्स की जहाँ तक बात है, आप बेसिक स्टडी जो है वो अपनी कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। ओके, उसके बाद में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब का कोई भी वीडियो जैसे होता है, ओके, कोई भी वीडियो आपने ओपन किया अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो आप देखोगे आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, लाइक लिखा रहता है, डिसलाइक लिखा रहता है, शेयर का ऑप्शन होता है और डाउनलोड का ऑप्शन होता है। तो बहुत से वीडियोस जो है स्टडी के, एजुकेशन के, तो उनके नीचे डाउनलोड का जो ऑप्शन है तो ओपन होता है, मतलब आप वहीं पे क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हो। बट कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता। मैं प्राइवेट वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, वहाँ 6 वीडियो है सपोज़, तो 3 वीडियो विजिबल है और 3 वीडियो लॉक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उसका पूरा कंट्रोल तो चैनल के एडमिन के हाथ में है। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए विजिबल है, अवेलेबल है। एक तो आप उसे डाउनलोड कर लो, या कभी कभी वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, फिर वहाँ एक नोटिफिकेशन आता है कि आप YouTube प्रीमियम को सब्सक्राइब कर लो, तो आप पेड अगर करते हो वहाँ तो डेफिनेटली फिर सारे वीडियोस आप डाउनलोड कर पाओगे। बट मैं आपको उसका फ्री सॉल्यूशन बताता हूँ, और फ्री सॉल्यूशन एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, आप इस वेबसाइट का नाम नोट कर लो, y2mate.com। ओके, ये वेबसाइट है एक्चुअली, इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको अभी बता दूँगा, बहुत ईजी है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। सो y2mate.com, सो y2mate.com जो है, जब भी आप सपोज़ मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो एक ब्राउज़र में आप YouTube को ओपन करो, सेकंड ब्राउज़र जो है न्यू पेज पे आप y2mate.com इस वेबसाइट को ओपन करो। ओके, तो यहाँ आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। ओके, सो यहाँ जो भी वीडियो है आपका YouTube का, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ ऑप्शंस होते हैं लाइक, डिसलाइक, डाउनलोड और शेयर। तो हमें क्या करना है, यहाँ किसी भी वीडियो पर शेयर पर क्लिक करना है। जस्ट आपने शेयर पे क्लिक किया तो आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, लिंक वहाँ से कॉपी कर लो यूट्यूब से और फिर पेस्ट करो यहाँ के सर्च बॉक्स में। ओके, जो y2mate पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा, तो वहाँ आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। मतलब सिंपल है, यूट्यूब से शेयर किया, वहाँ ऑप्शन आएगा आपको कि शेयर कहाँ करना है, व्हाट्सएप पे करना है, टेलीग्राम पे करना है, वही एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि जस्ट आपको लिंक को कॉपी करना है। लिंक वहाँ से कॉपी करो और y2mate.com ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो आपको बॉक्स मिलेगा, बस उस बॉक्स में आप पेस्ट कर दो। जस्ट आपने पेस्ट किया, वहाँ एक प्रोसीड का बटन आएगा, प्रोसीड का बटन आएगा तो फिर आपको रेजोल्यूशंस दिखेगा वीडियो का, कि आपको क्वालिटी क्या चाहिए वीडियो की, किस क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हो, 480p, 720p या 1080p, मतलब हाई रिजोल्यूशन में। तो MB का साइज़ बढ़ेगा, आप जानते ही हो, अगर आप हाई क्वालिटी में देखना चाहोगे तो ज़्यादा MBs लगेंगे। तो जस्ट आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट अगर आप 720p में सेव करना चाहते हो तो 720p के सामने डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, बस वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आप क्लिक कर दो, आपका वीडियो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्री और सबसे एफर्टलेस तरीका है किसी भी YouTube वीडियो को डाउनलोड करने का। सो y2mate.com ये जो वेबसाइट है, तो इसे आप ट्राई करके देखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और पूरा फ्री में है। ओके, सो आप कितने भी वीडियोस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा स्पैम भी होता है इस वेबसाइट पर, बहुत सी वहाँ लिंक रहती है, तो किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, जस्ट सिंपल जो हमारा बॉक्स है वहाँ पर, वही आपको पेस्ट करना है यूट्यूब से लिंक, और प्रोसीड करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन आएंगे। तो जहाँ जिस भी क्वालिटी में आपको सेव करना है वीडियो, HD क्वालिटी, 1080p में या 480p में, लाइकवाइज आप आपके कन्वीनियंस से, चॉइस से सेव कर सकते हो वीडियो को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में, लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो के पॉइंट पे, जो हमारी मेन बात है कि कैट की प्रिपरेशन में आपको कैसे हेल्प होगी। तो जस्ट मैंने आपको बताया, DI LR का जो सेक्शन है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है, सॉल्व सेट्स आपको मिल सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल सकती है। ओके, जो बेसिक क्वेश्चन टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम, इसकी बेसिक आइडिया मिल सकती है। लाइकवाइज इंग्लिश के सेक्शन में भी RC का बेसिक आप पता कर सकते हो, वरेबलेबिलिटी का बेसिक भी पता कर सकते हो। और रही बात क्वांट्स की, तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जितने भी चैनल्स हैं वहाँ से आपको अरिथमेटिक बेसिक लेवल पर प्रिपेयर करने में हेल्प होगी। और एसएससी सीजीएल के जो चैनल है स्पेशली उनसे आपको हेल्प हो जाएगी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसी के साथ साथ मॉडर्न मैथ्स, और मॉडर्न मैथ्स के साथ जो आपका मेजर एरिया है एक मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप भी आता है, तो ये सब एरिया भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज आप देख सकते हो अरिथमेटिक के अलावा जितने अदर एरियाज़ है कैट के प्रिपरेशन में, लाइक नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज हर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अरिथमेटिक बहुत डोमिनेटिंग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सो डेफिनेटली आप बेसिक लेवल पर हेल्प ले सकते हो। कैट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप खुद की प्रिपरेशन को टेस्ट करो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अगर आप क्वांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने परसेंटेजेस स्टार्ट किया है, परसेंटेजेस के बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट किए, फिर क्वालिटी क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जैसे मैंने आपको थंब रूल बताया 20 क्वेश्चन पर डे का, इस हिसाब से आप एक हफ्ते में आराम से 100 क्वेश्चन कर सकते हो मैथ्स की प्रिपरेशन की जहाँ पर बात है। तो टेस्ट करना है हमें कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक आ चुकी है, परसेंटेजेस आपने प्रिपेयर किया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, डायरेक्टली फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देना ज़रूरी है और सेक्शनल टेस्ट में खुद को जज करना है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, आपको किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसे आपको ओवरकम करना है, अपनी वीकनेस को स्ट्रांगनेस में कन्वर्ट करना है और आगे बढ़ना है। यही सिंपल तरीका है बिकॉज जितने आप सेक्शनल टेस्ट देते जाओगे उतने आप बेटर तैयार होगे एक्चुअल मॉक टेस्ट के लिए। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, प्रिपेयर करना और सबसे मेन उसका एनालिसिस करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कैट के लिए कितने मॉक्स देना चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉक्स जो है जितने आप दे सको उतना अच्छा है, बट एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसका थॉरो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 मॉक्स दे दी, जस्ट उनके परसेंटाइल देख लिए कि आपको कितने आ रहे हैं और फिर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, वो गलत तरीका है। हमें एक मॉक थॉरोली एनालाइज करना है, उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, बिकॉज मॉक से ही आपको लर्निंग मिलेगी आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना ज़रूरी है, तो वो आपकी चॉइस है, आपका हार्ड एंड मनी है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में अगर एनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी विश है। ओके, सो कैट में प्रिपरेशन के साथ सेल्फ टेस्टिंग भी ज़रूरी है। बेसिक वीडियोस तो आप देख लोगे, ओके, इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास खुद का स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर कोचिंग क्लास का करस्पॉन्डिंग कोर्स भी आप बुला सकते हो, ओके। बिकॉज जब आप बेसिक वीडियोस यहाँ से देखते हो यूट्यूब से, सर्च बॉक्स में किसी भी टॉपिक का नाम सर्च करके, सपोज़ आपको फंक्शंस के वीडियो देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो देखना है, तो आपने सर्च बॉक्स में सर्च किया तो जो भी वीडियोस आएंगे टॉप रैंक्ड वीडियोस जो रहेंगे तो वहाँ से आप बेसिक थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बट एक्चुअल प्रैक्टिस जो है तो आपको बुक से करना होगी, ओके। एक ऑप्शन ये है कि आप किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लो, ओके, किसी पर्टिकुलर कोचिंग क्लास के, वहाँ से भी आपको हेल्प हो सकती है, ओके, सो वो भी एक फ़ायदे की चीज़ रहेगी आपके लिए। तो अब मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, जो भी मेजर कोचिंग क्लासेस हैं, ओके, बहुत से चैनल्स हैं स्टडी के यूट्यूब पे, तो आप देखोगे वहाँ जस्ट बेसिक प्रिपरेशन होगी एक लिमिट तक, बट पूरा एडवांस सिलेबस आपको नहीं बताया जाएगा, बिकॉज़ हर कोई यहाँ पर अपनी मार्केटिंग के लिए बैठा है, ये बात आपको समझना ज़रूरी है। सो उनका काम है कि आपको बताना स्टडी कैसे करना है, टॉपिक्स क्या है, ये सब बातें, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका मोटिव यही है कि आप उनके कोर्सेज़ परचेस करो, ओके, जो भी उनका ऑनलाइन कोर्स है, जो भी उनकी टेस्ट सीरीज़ है, तो हर किसी का मेन फोकस इसी पे होता है, इसीलिए आपको कभी भी पूरा सिलेबस कैट का कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपको एक तो ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना है या तो सेल्फ स्टडी करना है, ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन है। बिकॉज एजुकेशन आज की डेट में बिजनेस बन चुका है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ओके। सो डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको किस तरह से स्टडी करना है, बट क्वेश्चन पर्टिकुलर ये है कि यूट्यूब वीडियोस कितनी हेल्प कर सकते हैं कैट प्रिपरेशन में, तो मैं यही आपको बताऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, बेसिक्स जो है हर टॉपिक के आपको पता चल सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी आपको करना होगी, ओके, और सेल्फ स्टडी अगर आप डिसिप्लिन मैनर में खुद कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके अलावा अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, तो किसी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर लो। सो वहाँ से भी आपकी एक लिंक बनी रहेगी। ओके, सो डिसिप्लिन मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो चॉइस आपकी है जैसे आप प्रिपेयर करना चाहो। और वीडियो सेव और डाउनलोड कैसे करना है इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पॉइंट्स मैं आपको बता सकता था कि हाउ यू शुड यूज़ यूट्यूब वीडियोज़ फॉर योर कैट प्रिपरेशन, तो मैं एक बेसिक लेवल पर आपको बता पाया हूँ। ओके, और आपको इससे हेल्प होगी। अगर कोई अदर डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछना। ओके, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दूंगा। सो जो हमारा वीडियो था इसमें और कुछ अलग से पॉइंट्स अगर रहते तो वीडियो थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता, बट मेन क्वेश्चन यही तक था। और मेरा सजेशन आपको फाइनल यही है, कैट में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली अच्छे ऑनलाइन कोर्स के अलावा अच्छी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल नहीं होना है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज़ तो एटलीस्ट रिसर्च करके लो, जो भी आपकी चॉइस है। ओके, सो वो आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको इन्वेस्ट करना है, बट खुद को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्टिंग, यही सबसे सही तरीका है कैट को प्रिपेयर करने का। बिकॉज जितनी भी गलतियाँ हैं, जितनी भी वीकनेस है, ये हम प्रिपरेशन के दौरान जितनी करेंगे उतना अच्छा है। बिकॉज जब एक्चुअल एग्ज़ाम रहेगी उसके पहले हमें इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेना है कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम को एफर्टलेसली अटेम्प्ट कर पाए, सो दैट हम हाई परसेंटेज स्कोर करें और हमारा जो भी ड्रीम बी स्कूल है उसमें एडमिशन पाने के एक स्टेप क्लोज़र आ जाए। बिकॉज आपको GD PI के लिए भी फिर प्रिपेयर करना होगा। ओके, अपेयर करना ही होता है। सो मेरा सजेशन यही है कि GK पर भी फोकस करो। सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें सारे एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स के अलावा GK पर भी डेली के 30 मिनट्स 40 मिनट इन्वेस्ट करो। बिकॉज जितनी भी करंट हैपनिंग्स है, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, प्लस पर्सनल इंटरव्यूज़ में भी आपके करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक पे कि हाउ यू शुड यूज़ यूट्यूब इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर कैट। और कैट ही नहीं, बाकी भी जितनी एग्ज़ाम है तो यहाँ से भी बेसिक लेवल पर यूट्यूब आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर दो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैसल को। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। हमारा पेज है vocab कैसल, वहाँ भी आप मुझे DM करो, डायरेक्ट मैसेज करो। ओके, सो मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।